जैसा कि आप सभी ने देख रहा है कि हमने बहुत सारे तरह तरह के सेल देखे हुए हैं। आइए लेट अस सी टुडे दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। आप सभी ने सेल के स्ट्रक्चर देखे हैं, लेकिन हम आपको दिखाने जा रहे हैं 360 डिग्री व्यू मॉडल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। सो लेट अस सी द मैजिक ऑफ द सेल। इट इज रोटेटिंग अराउंड 360 डिग्री सेल्सियस। पूरा देखो 360 डिग्री पे ये पूरा रोटेट हो रहा है। आइए अब अपन देखते हैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के रिलेटेड। तो सबसे बाहर कोई भी सेल के वहाँ पे पूंछ हो रही है, तो पूंछ को अपन क्या बोलेंगे? फ्लैजेलम। ये उसकी फ्लैजेलम है जो कि आप देख सकते हो। उसके बाद अपन देख सकते हैं दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पिलाई, जो हेयर लाइक फिम्ब्रेज से जो होल्डिंग करने में मदद कर रहे हैं। ये आप देख सकते हो दीज आर कैप्सूल्स। कैप्सूल्स क्या होते हैं? बहुत ही टफ कैप्सूल्स होते हैं, यहाँ पे आउटर कवरिंग जिसको आप बोल सकते हैं। अंदर और चलते हैं जिसको अपन यहाँ पे बोल सक रहे हैं सेल वॉल, क्योंकि एक प्रोकैरियोटिक सेल के पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जबकि यूकैरियोटिक में एनिमल सेल के पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं हो रही है। आइए अंदर और देख रहे हैं दिस इज नोन एज प्लाज्मा मेमोरी। फर्दर टू सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो इसके अंदर अपने को देखने को मिल रही है, दैट इज नोन एज न्यूक्लियोइड। लेट अस ज़ूम दिस इमेज। अपन ये देख सकते हैं कि ये न्यूक्लियोइड जो इस तरीके से बिखरा हुआ डीएनए पड़ा है, सारा का सारा एंटेंगल्ड वे में पड़ा है, जिसके पास कोई भी रीजन नहीं है, और वैसे रीजन को अपन बोल रहे हैं जीनोफोर रीजन, या फिर हम उसको न्यूक्लियोइड कहा जाता है। अंदर छोटे छोटे जो डॉट्स जो आपको दिख रहे हैं, जो ये पूरा रोटेट कर रहा है, इनको अपन बोल रहे हैं राइबोसोम। सो दिस इज द मैजिक ऑफ 360 डिग्री। एंड फॉर दिस video more update just do subscribe our channel, that is Royal Institute of Competition।